गांव में हंस आता तो कुत्ते भौंकते हैं ना, ये भाई आते मेरे को कुत्ते भौंक रहे कहाँ रहते भाई, चारों तरफ से भाई कुत्ते भौंकने लग गए, अभी तो अंदर नहीं जाने देंगे गांव में। सॉक्स 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 देखो बाहिम बाहिम लोटस लोटस यस ओ हो 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 तो गांव से लड़के आए हैं भाई बड़ी जन भाई लोटस लोटस ओ हो 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 लंपा थैंक यू ओके थैंक यू भाई। ये है यहाँ की लाइफ। चलो थोड़ा आगे जाके और कुछ बताते हैं। ये देखो ये लोग ऐसे खाते हैं गांव में। देखो ये यारा ना ऐसा सब्जी वगैरह बेचता है ना, वैसे ही बेचते हैं। देखो ये देखो ठीक है ना, इसमें सब्जी वगैरह ऐसा डालते हैं। ये देखो ट्रैक्टर है ठीक है, और ट्रैक्टर से ये तभी लगी हुई है खेती में। तो मित्रों आपको पता है गांव है तो वहाँ पर किसान होंगे, किसान है तो फिर ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। हालांकि पहले एक जमाना था तब बैल वगैरह चलते थे। अभी ये ट्रैक्टर है देखो, किसी कंपनी किस कंपनी का है, कुबोता। कुबोता सामने देख रहे हो ना, ये होता है भाई यहाँ के घर गाँव में ठीक है। लेकिन आपने ये घर होते हैं जैसे मैंने एक पानी का बोतल ले रहा हूँ मैं ठीक है। यहाँ पे भाई है जो इधर ही रहते हैं गांव में रहते हैं ठीक है। बहुत यार हालांकि वीडियो से बहुत डरता है भाई। ये होती है गांव की सड़कें, स्मार्ट गांव का ही है। देखो थाईलैंड में गांव ना उसमें सड़क ऐसी है। इस भाई साहब का सब टेपड़ा खोल दिया है। ये स्कूटी रहती है, स्कूटी पे साइड पे ये ऐसा लगा दिया रखा है कि इसमें सामान वगैरह कुछ भी घर का वगैरह इसमें डाल दिया जाता है ठीक है ना। हर हर घर पे लगभग ऐसी गाड़ी मिल जाएगी, स्कूटी। स्कूटी के साइड में ऐसा ये रखा हुआ है। आप स्टार्ट कर दिया भाई। ये है गांव के बच्चे। हाउ आर यू गुड। ये देखो हाय। और भाई साहब खेती में आ रहे हैं और ये खाद डाल रहे हैं। गांव में हंस आता तो कुत्ते भौंकते हैं ना, ये भाई आते मेरे को कुत्ते भौंक रहे कहाँ रहते भाई, चारों तरफ से भाई कुत्ते भौंकने लग गए, अभी तो अंदर नहीं जाने देंगे गांव में। तो यही खासियत होती है गांव के जगह मित्रों वो स्कूल है एक्चुअली में ठीक है, वो गांव का स्कूल है और वो ग्राउंड है। और शायद कुत्ते इतने भौंक रहे हैं कि यार बहुत भौंक रहे ठीक है। ये देखो आपको ही पता है जब स्कूल के अंदर आते हैं तो आज स्कूल की छुट्टी है ठीक है। और अगर छोटे बच्चे के लिए यहाँ पर देखो खेलने के लिए सामान है ठीक है। ये देखो स्लाइड वगैरह सब बच्चों के लिए ठीक है। और ये स्कूल है और स्कूल बता देता हूँ मैं आपको। ये मित्रों यहाँ पे ये गांव में होती है स्कूल ठीक है। गांव भी कितना स्मार्ट है, आपको लगेगा अपनी साफ सफाई कितना है, एकदम स्मार्ट गांव है भाई। ये देखो तो स्कूल के कमरे, हालांकि आज छुट्टी है शायद, नहीं तो मैं भी आपको पूरा अंदर से देखा पता। ये देखो कुत्ते तो फिर भी भौंक है भाई। ये ग्राउंड कितना अच्छा है, देखो बच्चे खेल सकते हैं। और ये एक छोटा सा पेविलियन है जहाँ पर अगर कुछ फ्रेंड्स आके उसके माता पिता जी कुछ ऐसा फंक्शन होता है तब ये, जैसे हमारा भी 15 अगस्त और 26 जनवरी होती है ना,
वैसे ऐसे ही फंक्शन होता है, तो ये फिर ऐसे टेबल जैसा बिछाया गया ताकि, और सामने भी यही है पूरा आंगनवाड़ी जैसा ही है, सामने छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी है, ठीक है ना। ये देखो और भी तरफ सड़कें, देखो सड़कें देखो आपने, RCC की है पर तो कितनी प्यारी है, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, यहाँ की गांव की सड़कें बताता हूँ आपको कितना मतलब फर्क है भाई, ठीक है मैं बता देता हूँ। ये देखो ये लोग ऐसे खाते हैं, यहाँ के लोग यहाँ पे देखो ये मतलब फल फ्रूट की बनाई जाती है, गांव में देखो ये यार है ना ऐसा सब्जी वगैरह बेचता है ना वैसे ही बेचते हैं। देखो ये देखो ठीक है ना, इसमें सब्जी वगैरह ऐसा डालते हैं और आ जाते हैं, ठीक है। ये वहाँ पे गई रोड और ये सीधी गई, ये देखो मतलब ये गांव है, स्मार्ट गांव है, देख सकते हो यहाँ पे मतलब प्रॉपर, ये देखो मतलब लाइट जाई लाइट रेड लाइट जल रही है ना ये प्रॉपर, और सामने 7-Eleven जो ये देखो बेच रहा है सामान, जो सामने 7-Eleven है ना, ये 7-Eleven ये यहाँ पे मतलब हर गांव में होता है, मतलब यहाँ पर थाईलैंड में 7-Eleven एक्चुअली जापान की कंपनी है, और परंतु यहाँ पे जहाँ भी जाओगे ना आप 7-Eleven मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किसानों के लिए देखो आपको मैं ये बताता हूँ, तभी बताता हूँ तभी आता है वो, ये देखो ट्रैक्टर है, ठीक है, और ट्रैक्टर से ये तभी लगी हुई है खेती में, ठीक है ना। आगे से ट्रैक्टर बताता हूँ कि थाईलैंड में ट्रैक्टर कौन सा है, तो आपको बता देता हूँ भाई, थाईलैंड में ट्रैक्टर होता है, ठीक है, ये देखो। तो मित्रों आपको पता है गांव है तो वहां पर किसान होंगे, किसान है तो फिर ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, हालांकि पहले एक जमाना था तब बैल वगैरह चलते थे, अभी ये ट्रैक्टर है देखो, किसी कंपनी, किस कंपनी का है, कुबोता कंपनी का है ट्रैक्टर ये, ठीक है। और ये साइलेंसर भी इसका डिजाइन वगैरह किया हुआ है, या जला हुआ पता नहीं ऊपर कलर किया हुआ है, ठीक है। और ये ड्राइवर बैठने की सीट है भाई, और गियर वगैरह देख लो आपके ट्रैक्टर के जो भी है, ठीक है। ये और ये ट्रैक्टर है, यहाँ पे बैठ सकते हो, और यहाँ पे एक तवी है, ये देखो खेती के लिए, तो ये खेती के लिए तवी है, ठीक है ना, कितना अच्छा है। और यहाँ पे एक डिजाइन किया हुआ है, ये पंखा है वेलकम, ठीक है। और किसान यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वही रखते हैं, ये देखो, और ये तो मिस्त्री साहब बैठे हैं गाड़ी ठीक कर रहे हैं, ये देखो ये साइकिल का है, ये मोटरसाइकिल का है, ठीक है ना। ये देखो, और अभी ये खेती में जस्ट पानी पाया हुआ है, ये देखो ये केले के पेड़ है, शायद केले के पेड़ ही है, ठीक है ना, ये केले के पेड़ है, उसका केला देख सकते हो, जुमा देख सकते हो भाई, ये केले का पेड़, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर भी दुकानें वगैरह प्रॉपर है, मतलब गांव में भी स्मार्ट गांव है, जो जरूरत के हिसाब से सब चीजें मिल जाती हैं यहाँ पे, इंटरनेट भी फास्ट है, और मैन ये क्लीन, हालांकि यहाँ थोड़ा बहुत ये कचरा दिखता है परंतु ये ना के बराबर है भाई। और यहाँ पर अच्छी बात है देखो, अगर बारिश होती है तब मतलब यहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होता, इसका रीज़न क्या है, ये देखो ऑल दिख रहा है ना, इसमें पानी चला जाता है ताकि रोड टूटे ना, इसमें चला जाता है पानी, तो ये सब रोड भी सुविधा के हिसाब से बनाई है, और रोड आप चौड़ी देख सकते हो कितनी बड़ी चौड़ी है। मैं ये दुकानें हैं और यहाँ पर मैं शॉप लूँगा, ठीक है ना, थोड़ी बहुत खरीदारी कर लेता हूँ मैं भी, माई साइज सॉक्स, ठीक है। हालांकि इंग्लिश मेरे को भी नहीं आती है, यहाँ के लोग गांव हैं उनको इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं आती है, और मेरे को भी कहाँ आती भाई,
फिर भी बता रहा हूँ, हालांकि सामान सब मिल जाता है, ठीक है। ये देखो शिक्षा के भाई, यहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चों का, ये देखो यहाँ पर देख पा रहे ना बाइक होती है धर्मेंद्र और जैन है, मतलब वो अमिताभ बच्चन की वो स्कूटी थी ना दोनों, जैसे यहाँ पे स्कूटी वगैरह वैसे ही है, ठीक है ना। ये देखो और यहाँ पर भी छोटे छोटे गांवों में फॉरेनर बहुत आते हैं भाई। आगे चल के और भी बताता हूँ आपको, सामने देख रहे हो ना, ये होता है भाई यहाँ के घर गांव में, ठीक है। लेकिन आपने ये घर होते हैं वो रहने का बाहर जगह होती है, हालांकि कार सबके घर पे है, इसके ट्रक भी रखते हैं, ट्रैक्टर भी रखते हैं, सब रखते सब है, रहते सिंपल घर और सिंपल ही है, ज़्यादा नहीं है, अच्छा ट्रैक्टर वगैरह देखो, ठीक है, अलग से गैरेज ही बनाए हुए ताकि उसको ट्रैक्टर वगैरह आ चुके हैं इधर, पानी बोतल वगैरह सब मिलती हैं, और कितना शानदार तरीके से, मैंने एक पानी का बोतल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एकदम एकदम क्लीन, नेट क्लीन है, पानी की बोतल है 10 बार बोले तो हो गए 25 रुपये लगभग, ठीक है ना, 25 रुपये की ये बोतल है पानी की, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, ओनली सॉक्स, ओनली गांव से मोजे लिए हैं ताकि भाई गांव से आए तो खरीदारी कर सके ना, ये गांव है, यहाँ पे ये 20 बात बोले तो हो गया 40-50 रुपये, मोजे 50 रुपये के हैं, ठीक है ना, तो 50 रुपये हमने मोजे लिए, अलग यहाँ पे सब कुछ मिलता है भाई, जो जरूरत चीज होती है वो सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। ये देखो पीछे वगैरह, ठीक है ना, ये देखो पर्स वगैरह टोपी वगैरह सब मिल जाता है। के भाई है जो इधर ही रहते हैं, गांव में रहते हैं, ठीक है, बहुत यार हालांकि वीडियो से बहुत डरता है। हाय ब्रो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये भाई साहब गांव से हैं और मतलब वीडियो से बहुत डरते हैं, ठीक है, ओके थैंक यू, ठीक है, बहुत बाय। ये देखो ये भाई साहब की गाड़ी है, मतलब मजदूरी वगैरह करते हैं, और ये पिकअप है गाड़ी की। हाय ब्रो, हाउ आर यू, भाई साहब को इंग्लिश नहीं आती है, मतलब मेरे को तो आती नहीं, भाई साहब को तो बिल्कुल ही नहीं आती, क्योंकि गांव में रहते हैं लोग बहुत अच्छे इंसान के, ओके गुड, थैंक यू। ये देखो लकड़ी के कुछ काम करते हैं शायद, ठीक है ना, ये देखो, और मैंने मोजे और पानी की बोतल ली है भाई गांव से, ठीक है। हालांकि गांव गांव इंग्लिश में इंग्लिश नहीं आती है, कि हमारे गांव में कौन सी इंग्लिश आती है लोगों को, फिर भी पढ़े लिखे को पता पड़ जाता है लगभग, कभी क्या बोल रहे हैं, वेलकम है या गुड, ऐसा जो भी है मालूम पड़ जाता है, पर तो उधर के जो गांव में लोग या गांव में लोगों के इंग्लिश बहुत कम आती है, कम बोले तो नौ नहीं के बराबर आती है, और जो सिटी में रहता है उनको भी 50% ही नहीं आती, 30% इंग्लिश आती है, जैसे काम चलो हम चलाते हैं ना, मैं चलाता हूँ वैसे ही काम चला जाता है। और यहाँ पे देखो गांव है फिर भी ऐड देख सकते हो आप, रोड के साइड पर ऐड लगे हुए हैं, तो ऐसे ही भला हो जाता है गाँव का, क्या भाई यहाँ पर 100 रुपये एड 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 होती है ना एडवर्टाइजमेंट, इससे पैसे आ जाते हैं। और यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। ये है कोसर, कोसर बोलते हैं, तो गांव के पास पड़ी रहती है जहाँ पर गाय वगैरह सब चरती है, तो ये गोसर है, यहाँ पे देखो गाय खड़ी है, ठीक है, ये गोसर है और यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, शायद यहाँ पे कांटे तो नहीं है फिर भी ये देख सकते हो। और मित्र जैसे मैं गाय के पास जाने लगा तो बहुत डर रही थी, क्योंकि
यहाँ के लोग ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनते हैं, ठीक है, ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, बहुत डर रही थी। तो मैंने समझा कि यार इसके पास जाऊँगा तो डरेगी, और ज़्यादा डरेगी, तो इससे अच्छा मैं सिर्फ आगे से आपको दूर से ही बता देता हूँ। वो पीछे खड़ी है और माँ बेटे, माँ बेटी दोनों खड़ी है, तो इधर से आप देख लेना, क्योंकि हमारे को कब जाते हैं किसी किधर भी और डर लगता है, कैसा मैसेज होता है, वैसे उनको मैसेज होता है। तो फिर मैंने सोचती है यहाँ पर गाड़ी जो गांव है, ठीक है, और ये होती है साइड में गाड़ी और ये होती है बड़ी गाड़ी, इससे वो चलते हैं और वो साइड में ये रहता है, देखो बता दें आपको, ठीक ना, ये स्कूटी रहती है, स्कूटी पे साइड पे ये ऐसा लगा दिया रखा है, ठीक है, इसमें सामान वगैरह कुछ भी घर का वगैरह इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है ना, हर घर पे लगभग ऐसी गाड़ी मिल जाएगी, स्कूटी, स्कूटी के साइड में ऐसा ये रखा हुआ है। अब आइए भाई साहब, ने कहना है वो खेत में का, हाँ भाई साहब खेत में काम करते हैं इसलिए ये सब कहना है, ठीक है ना। ये भाई देखो गाय भैंस के लिए चारा काट रहे हैं, ठीक है ना, ये चारा काट रहे हैं हमें खेत से, ठीक है ना, मशीन से, ये देखो देख पा रहे हो ना, गाय भैंस के लिए चारा काट रहे हैं ये, है गांव के बच्चे। हाउ आर यू, हाउ आर यू, गुड, ये बहुत डर रहे, देखो व्हाट इज एनिमल, ठीक है। और आपकी एक छोटी सी गाड़ी बताता हूँ मैं, देखो तो रोड पे चलती है ये, देखो हाय, छोटी सी गाड़ी है, बंद किया भाई, ये तो बहुत कमाल की गाड़ी है। यहाँ तो भाई साहब मिस्त्री है गाड़ी के और गाड़ी वगैरह रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, ये देखो मिस्त्री से मिलवाता हूँ। हाय ब्रो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाँ, यू आर गाड़ी रिपेयर, यू, यस, ओके ओके, बाय 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 बाय, परस कितने अच्छे, देखो परस है और ये नीचे परस है, ये देखो भाई साहब खाना खा रहे हैं, ये देखो पूरी बैग ही है, मतलब वहाँ पे एक सर्कल है, वहाँ पर किसी महापुरुष की फोटो लगाई हुई है, मतलब मूर्ति है, ठीक है ना, यहाँ पे सर्कल है, सर्कल यहाँ पे साइड में है और अंदर जाने की शायद कुछ रास्ता है, होटल ऐसा कुछ रहेगी शायद मेरे हिसाब से, ठीक है ना, ये देखो, वो वहाँ पर आप देख रहे हो ना, वहाँ पर मेला लगता है, देखो मेला मतलब बाजार है, वहाँ पर दिन में भी बहुत लाइट है और यहाँ खाने पीने के लोग यहाँ पर सब्जी वगैरह लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पूरी दुकान ही है, देख पा रहे हो, ये देखो ये सब गाड़ी पार्किंग वगैरह खड़ी है, दूर से कुछ ऐसा दिखता है। तो देखो ये सब्जी है यहाँ पर बही हुई है, पालक, मूली, मूली सॉरी,
ये मूली है शायद, मेरे हिसाब से मूली रहेगी, ठीक है। और ये भाई जी और भी इसमें वही कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आगे देख सकते हैं धनिया वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी मतलब खेती भी करते हैं ताकि घर गुजारा हो जाए। ओके हाउ आर यू, ये छोटी छोटी यहाँ पर मतलब पानी की तो कोई कमी है नहीं इधर, ठीक है। और खेती भी हो जाए यहाँ पर, देखो कटिंग शॉप है यहाँ पर, आप देख सकते हो। मतलब स्मार्ट गांव है, मतलब कहने के लिए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। देखो